हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 11 की प्रश्नावली 11.1 करेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में है चैप्टर 11 वैसे आपका। और इस प्रश्नावली 11.1 में हम क्वेश्चन करेंगे शंकु से संबंधित। शंकु आपकी कुछ इस तरह की आकृति होती है, जैसे जादूगर की टोपी देखी होगी आपने, या कोन जो आइसक्रीम जो आप लेते हैं कुछ इस ढंग से होती है, इस ढंग की शेप होती है, जिसका आधार जो है वृत्ताकार होता है, जिसकी ये त्रिज्या आर है और ये ऊंचाई इसकी एच है और इसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं, एल तिरछी ऊंचाई। और वैसे भी अगर इसके अंदर देखें तो ये समकोण त्रिभुज बनेगी, तो समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस सूत्र को लगाएं तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जरूरत पड़ने पर इन तीन में से कोई दो चीज़ दे रखी हो तो हम तीसरी को इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हैं। अब इसके बात करें फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना हो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है इसका पाई आर एल। और जब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय अक्षेत्रफल अगर निकालना है, देखिए वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल में कौन सा आएगा, ये वाला एरिया जो बाहर से है, सिर्फ ये वाला। और जब संपूर्ण की बात करेंगे तो ये बाहर वाला तो आएगा ही, प्लस क्या हो जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त है वहां पे तो, और वक्र पृष्ठीय क्या है, पाई आर एल है। दोनों में से पाई आर अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, आर प्लस एल। तो ये फार्मूला हो जाएगा आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन एजी सा स्टार्ट में देखिए, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, व्यास दे रखा है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जिसको R से दिखाएंगे हम, अगर व्यास 10.5 दे रखा है तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी 10.5/2 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि L, वो है हमारी 10 सेंटीमीटर। निकालना है क्या हमें, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय अक्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या बताया अभी मैंने, पाई आर एल। और पाई जब तक आपको ना कहे, आपको पाई का मान कितना लेना होता है, 22/7। जब भी आप अक्षेत्रफल से या आयतन से संबंधित क्वेश्चन कर रहे होते हैं और पाई की वैल्यू आपको नहीं बताए तो आप पाई का मान 22/7 ही लेंगे। यहाँ पे देखिए पाई कितना आपका 22/7, आर कितना है 10.5/2 और एल तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी है 10। इनको काट लीजिए, ये कट जाएगा आपका 11 पे, 11 × 22, इसको काटेंगे 15 × 7 = 105, 1.5 हो जाएगा ये। और जब इनको कैलकुलेट करेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 11 × 1.5 × 10, इनको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 1.5 की और 10 की गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 15 बन जाएगा। और फिर 11 की और 15 की गुणा करेंगे, 11 × 5 = 55, 11 × 11 = 16, तो आंसर हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट है।